तो भाई और सहेलियों यार स्वागत है फिर से साइंस ऑफ आंसर में। पर जैसे हल्की हल्की सी बारिश होने लगी है वैसे वैसे मेरे ज्ञान का समुद्र अब बढ़ गया है। और देखो यहाँ पे बात स्कूल यूनिफॉर्म्स की चल रही है तो यार यहाँ पे हम कोई ऐसी बड़ी सी चीज नहीं कर सकते, कुछ अलग नहीं कर सकते क्योंकि ये इंडिया है और यहाँ पे स्कूल यूनिफॉर्म मतलब एक बहुत ही स्ट्रिक्ट चीज होती है जिसमें तुम कुछ मैनिपुलेट नहीं कर सकते। तो यार आज हम बात करेंगे बहुत छोटी छोटी चीजों के बारे में जिससे तुम वही यूनिफॉर्म पहन के बाकी लोगों से ज्यादा बेहतर दिखोगे। बस यार ज्यादा बातें नहीं करेंगे, मेरा नाम है स्वप्न, दिस इज साइंस ऑफ हैंडसम, चलिए शुरू करते हैं। तो यार शुरू करते हैं पॉइंट नंबर वन से। मैं बात कर रहा हूं एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में जो हर बंदा जिसने अपनी शर्ट को अपने ट्राउजर में टक इन किया उसको ये प्रॉब्लम झेलनी ही पड़ी है। मैं बात कर रहा हूं जब वो शर्ट ऐसे बाहर आ जाता है, फुल जाता है, फुग्गा बन जाता है, जिसे हम बाद में कहते हैं मफिन टॉप। ये इतना घातक सा प्रॉब्लम है आपके स्टाइल गेम के लिए, आपके फैशन गेम के लिए, जिसकी वजह से आपका जो ओवरऑल लुक है वो एकदम भच्च से नीचे आ जाएगा। तो यार इस प्रॉब्लम को डुशम करने के लिए मेरे पास आज दो पॉइंट्स। सबसे पहले बात करेंगे ऑल्टरेशंस के बारे में। देखो हर बंदा कहता है कि शर्ट को ऑल्टर करना चाहिए, आपके साइज को फिट होना चाहिए, लेकिन ऑल्टरेशन मतलब प्रॉपर क्या है इन डिटेल अगर बात करने जाए तो ऑल्टरेशंस में भी दो पार्ट्स होते हैं, एक होती है उसकी लेंथ और एक होती है उसकी विड्थ। विड्थ मतलब जो शर्ट की चौड़ाई होती है, जब आप टेलर के पास जाते हो आपके शर्ट को ऑल्टर करने के लिए उसे कहना है कि उसकी जो विड्थ है उसे इतनी कम करना कि मेरे वेस्ट के हिसाब से एकदम कंफर्टेबली फिट हो। देखो यार मफिन टॉप्स आते क्यों हैं? मफिन टॉप्स आते हैं क्योंकि आपके शर्ट के वेस्ट लाइन में मतलब उसकी विड्थ में एक्स्ट्रा फैब्रिक है जो आपके ट्राउजर से निकल के बाहर आता है। अब यार ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे आप अगर कंप्लीटली निकाल दो, उसकी विड्थ आपको इतनी कम करनी है कि आपके वो वेस्ट को एकदम प्रॉपरली फिट हो जाए, तो वो एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं बचेगा, तो आपको मफिन टॉप्स नहीं आएंगे। बात हो गई विड्थ के बारे में, बात करते हैं लेंथ के बारे में। देखो यार जब आप शर्ट को ऑल्टर करते हो तब आपको सिर्फ और सिर्फ उसकी विड्थ कम करनी है, लेंथ को उतना ही रहने देना है क्योंकि यार जितनी लेंथ लंबी उतना ज्यादा बेटर रहता है, क्योंकि यार देखो आप अल्टीमेटली इस लेंथ को अंदर टक इन करने वाले हो, वो ट्राउजर के अंदर जाने वाला है, और यार ये लेंथ जितना ज्यादा होगा उतना बेटर ग्रिप आएगा आप पर। टू बात करेंगे एक छोटी सी हैक के बारे में जो मैं खुद यूज किया करता था मेरे स्कूल डेज में। तो देखो यार मफिन टॉप्स की बात चल रही है, ये एक ऐसा प्रॉब्लम है मतलब ये डेथ की तरह, एकदम मौत की तरह है, तुम कुछ भी कर लो वो आने तो वाला है। इसीलिए मैं क्या किया करता था कि हर अल्टरनेट लेक्चर या फिर हर दो लेक्चर छोड़ के मैं वॉशरूम जाया करता था और वॉशरूम जाने के बाद उसे अनटक करके वापस से टक इन कर लेता था, और जब मैं इसको वापस से टक इन करूंगा तब मैं यूज करूंगा मिलिट्री टक। देखो मिलिट्री टक एक बहुत ही यूजफुल टेक्निक है जिसकी वजह से आपका जो शर्ट है वो दिन भर टक रहता है, एकदम मस्त दिखता है। और यार अगर आपको पता नहीं कि मिलिट्री टक क्या है इसका मतलब आपने पार्ट वन नहीं देखा है, तो यार जाके पहले पार्ट वन देख के आओ फिर आ जाओ यार पार्ट टू पे। शर्ट्स की बात आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं पॉइंट नंबर टू कॉलर्स के बारे में। देखो हर स्कूल यूनिफॉर्म को कॉलर्स जरूर होते हैं, और यार देखो आपके जो कॉलर्स होते हैं वो भी एक टाइप का फैब्रिक ही है, लेकिन ये फैब्रिक को थोड़ा सा पैडिंग किया गया है, थोड़ा सा लाइनिंग किया गया है ताकि ये स्टिफ रहते हैं, लेकिन यार ओवर टाइम तुम जैसे इस शर्ट को धोते हो यूज करते हो वैसे वो लाइनिंग निकल जाती है, उसकी जो स्टिफनेस है वो निकल जाती है, ये जो कॉलर्स वो थोड़े से आड़े टेढ़े हो जाते हैं। देखो वैसे तो ये बहुत ही छोटी सी चीज है, लेकिन ये जो आड़े टेढ़े और अनरूली से कॉलर्स हैं वो यार देखने में बहुत ही शैबी दिखते हैं, बहुत ही खराब दिखते हैं, जिसकी वजह से आपका स्टाइल गेम एकदम नर्क पहुंच जाता है। और इस प्रॉब्लम को फाइट करने के लिए मैं बात कर रहा हूं मास्किंग टेप के बारे में। देखो यार मास्किंग टेप एक ऐसी चीज है जो आप लिटरली किसी भी स्टेशनरी शॉप में पूछ लो आपको वो इजीली मिल जाएगी 10 या फिर 20 रुपए के अंदर। ये बहुत ही सस्ती सी चीज है, आपको यार उसका बस एक छोटा सा टुकड़ा निकाल लेना है और इस टुकड़े को आपको इस टेप को लेकर बस ऐसे राउंड में फोल्ड कर देना है और स्टिक कर देना है ताकि ये ऐसे राउंड सी चीज बन जाए जो दोनों तरफ से स्टिकी हो, और इस राउंड टेप को लेकर आपको यहां पे कॉलर के अंदर चिपकाना है जहां पे कॉलर और आपका शर्ट दोनों अच्छे से स्टिक हो पाए, और उसको थोड़ा सा प्रेस कर देना है ताकि वो आपके कॉलर को अच्छे से होल्ड करे। और यार ये छोटी सी हैक यूज करके आप लिटरली यहां से 2 सेकंड के अंदर यहाँ पे। शर्ट्स की बात हो गई, बात करते हैं ट्राउजर्स के बारे में। तो देखो यार यहाँ पे मैं एक ऐसी मिस्टेक के बारे में बात करूंगा जो मैंने ऑलमोस्ट हर स्कूल को स्टूडेंट को करते हुए देखी है। तो यार देखो ये भी चीज बहुत ही छोटी है, लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि छोटी छोटी चीजों की वजह से आपका स्टाइल गेम बहुत चेंज होता है, मैं बात कर रहा हूं आपके ट्राउजर के वर्टिकल लेंथ के बारे में। देखो वर्टिकल लेंथ मतलब बेसिकली आपकी ट्राउजर नीचे आके कहां खत्म होती है उसे हम कहते हैं वर्टिकल लेंथ। और यार देखो आपकी ट्राउजर आपको एकदम परफेक्टली फिट होनी चाहिए ये कोई नई बात है नहीं, लेकिन
लेकिन वर्टिकल लेंथ को और थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको दो फोटोज दिखाऊंगा। सबसे पहले फोटो में एक ट्राउजर है जिसका वर्टिकल लेंथ बहुत गलत है, थोड़ा सा लंबा है, जिसकी वजह से जो नीचे शूज पहने गए हैं वो शूज पीछे की तरफ से हल्के से कवर हो रहे हैं। और दूसरी फोटो वही ट्राउजर और वही शूज, बस इस बार उस ट्राउजर को थोड़ा सा मैंने रोल अप कर लिया है जिसके वजह से वो जो शूज है वो कवर नहीं हो रहे हैं। और यार इसकी जो वर्टिकल लेंथ एकदम बराबर है और दूसरा फोटो पहले फोटो के कंपैरिजन में 10 गुना बेहतर दिख रहा है। शर्ट्स की बात हो गई, ट्राउजर्स की बात हो गई, बात करते हैं एलिमेंट्स के बारे में यानी एक्सेसरीज के बारे में। देखो यार अभी तो स्कूल्स की बात चल रही है तो हम रिंग्स और ब्रेसलेट्स तो पहन नहीं सकते, तो यार मैं ऐसे एक्सेसरीज की बात करूंगा जो स्कूल ने पहले से लीगलाइज करके रखी। अगर वॉचेस की बात करें तो यार देखो आपके साथ जितने भी लोग हैं वो सब लिटरली स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, और यार अगर आपको उनसे थोड़ा बेटर दिखना है, अच्छा दिखना है, यूनिक दिखना है, तो आपको थोड़ा सा मैच्योर दिखना पड़ेगा, थोड़ा सोफिस्टिकेटेड दिखना पड़ेगा। इसीलिए यार जब आप एक वॉच चूज करते हो तब यार एक ऐसा वॉच चूज करो जो बाकी लोगों से थोड़ा बेहतर दिखे, उसका डिजाइन अलग हो या फिर कलर थोड़े अच्छे हो, सोफिस्टिकेटेड हो। और देखो यार जब मैं कहता हूं कि आपके वॉच का डिजाइन अलग होना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप जाके आपके पेरेंट्स का पैसा बर्बाद करो, महंगी घड़ियां ले लो। देखो यार आप छोटे हो, आपका यूजेज बहुत रफ है, तो यार आप जितनी महंगी घड़ियां लोगे वो जितनी जल्दी खराब होंगी उतना आपका मनी वेस्ट होगा। आपको बस थोड़ा सा टाइम देना है मिंट्रा या फिर क्लब फैक्ट्री ऐसे ऐप से जिसके ऊपर आपको अलग अलग डिजाइंस मिलते हैं, वो भी थोड़े से लोअर रेंज में, मतलब आपको 500 से 1000 तक आपको अलग अलग वॉचेस, अलग अलग एक्सेसरीज आराम से मिल जाएंगी। लास्टली मैं बात करूंगा ऐसे छोटे मोटे एलिमेंट्स के बारे में जो अगर आप यूनिफॉर्म में ऐड करते हो तो वो बेटर दिखता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक बॉय हो तो आपको यहां पर एक ब्रेस्ट पॉकेट होगा और इस ब्रेस्ट पॉकेट में आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस एक पेन लगा के लटका देना है, तो इसकी वजह से आपके यूनिफॉर्म में एक एलिमेंट ऐड होता है जिसकी वजह से बाकी लोग जो बस ये सब खाली लेके घूम रहे हैं उनसे आप बेटर दिखते हो। पॉइंट नंबर 5, बात करते हैं बैग्स के बारे में। देखो यार मैंने मेरी पहली वाली वीडियो में बताया था कि आप ऐसे स्लिंग बैग्स यूज करो या फिर साइड बैग्स यूज करो, तो यार उस पे इतने सारे कमेंट्स आए थे कि यार साइड बैग्स अलाउड नहीं है, ये अलाउड नहीं है, वो अलाउड नहीं। और यार देखो मैं मानता हूं कि ये इंडिया है और यहां पे तुम कुछ भी कर लो, स्कूल वाले यही कहेंगे कि नहीं 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 वो अलाउड नहीं है, वो भी अलाउड नहीं है, नहीं वो भी अलाउड नहीं, अच्छा दिखना ही अलाउड नहीं, नो नो नहीं। तो यार जब आप एक नई बैग चूज करते हो तो आप उसके लिए तीन चीजों का ख्याल रखना है। सबसे पहला उसका कलर, उसका कलर बहुत फ्लैशी या फिर बहुत भड़कीला नहीं होना चाहिए। मैं बात कर रहा हूं जैसे ब्लड रेड या फिर नियॉन ऑरेंज, नियॉन ग्रीन के बारे में। पॉइंट नंबर 2, उसके ऊपर के ग्राफिक्स, अगर आपके बैग एकदम मिनिमलिस्ट है, अलग है, उस पर ग्राफिक्स थोड़े कम है, तो आप बाकी लोगों से अच्छे दिखोगे, मैच्योर दिखोगे, अगर मैच्योर दिखोगे तो आपका स्टाइल गेम, फैशन गेम, हैंडसमनेस लेवल ऑब्वियसली नर्क से स्वर्ग में। और पॉइंट नंबर 3, आपको देखना है आपकी बैग की साइज, वो इतना भी बल्की नहीं होना चाहिए, मतलब जब तुम बैग लटकाते हो तो ऐसे लगना चाहिए कि आप बैग को लेके जा रहे हो, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि अरे कितना बड़ा बैग है, कतई इंसान ले जा रहा है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं बात करूंगा ग्रूमिंग के बारे में। देखो यार जब मैं स्कूल में था तब मैंने ग्रूमिंग को लिटरली लाइटली लिया था, मेरे आसपास भी नहीं था, लेकिन यार आज मुझे देख के लगता है जो भी अगर तुम 10th या फिर 12th तक हो और आपको ऐसे आधी अधूरी आई हुई मूंछ है, ऐसे पैची सी बियर्ड है, तो यार उसे बिल्कुल मत रखो, उसे उड़ा दो, उसे शेव कर दो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये चीज हर बंदे को अच्छी दिखेगी, लेकिन अगर तुम स्केप्टिकल हो तो उसे करके देखो, एक बार ट्राई करके देखो, बिफोर और आफ्टर ऐसे फोटोज खींचो, उससे तुम्हें पता चलेगा तुम पे ज्यादा बेटर क्या दिखता है। तो बस यार आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, मेरी वीडियो की वजह से आपकी जो स्कूल की लड़कियां है वो आपकी तरफ देख के शर्मा रही है, आए हाय, तो यार लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और वो जो नोटिफिकेशन बेल है ना उसे बजाओ।